यहाँ पे लूज था, ये पूरा टाइट होने के बाद भी ये ना ढीला हो रहा था। दोस्तों नमस्कार, और ब्लॉग मतलब 2 घंटे लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसा भी हो, मैं दुर्ग के लिए निकला था, फिर पानी में फंसा, 6-7 बार रुकते रुकते आया, फिर बैंक जाना था इलाहाबाद बैंक, SBI जाना था, SBI में क्या मेरा कार्ड ब्लॉक हो चुका था, एक्सपायर हो गया है, न्यू पासबुक भी बदलना था क्योंकि ब्रांच चेंज हो गया है, और नेट बैंकिंग भी चेंज करना था क्योंकि उसका पासवर्ड फॉरगेट नहीं हो रहा है। तो वहाँ 1 घंटे खड़ा हुआ, काम नहीं हुआ। मैं सोचा उसके चक्कर में बाकी काम नहीं होगा, इसलिए मैं आ गया, अभी तहसील ऑफिस आया हूँ, कुछ काम है। तो तहसील का काम नहीं हुआ क्योंकि अब बोलते हैं कि कार्ड अब पोस्ट से ही आता है। 3 लोगों का कार्ड निकलवाना था करेक्शन के बाद, वोटर ID, अब बोलते हैं कि पोस्ट से आता है 40 दिनों के अंदर, लेकिन करेक्शन किया तो 2 महीने से ज़्यादा हो गया भाई, पता नहीं कब आएगा, चलो देखते हैं। अभी मैं पहुँच गया हूँ साइंस कॉलेज, और क्या है ना, साइंस कॉलेज से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था MCOM, और कोरोना के टाइम में हो गया था भाई, ना ही एग्ज़ाम दिला है ना कुछ, मतलब एहसास ही नहीं हुआ कि हमने MCOM पास कर लिया था। तो फिलहाल नेट वाली कॉपी है मेरे पास, मैं मार्कशीट लिया ही नहीं था। 2020 और 2021 में हुआ था मेरा MCOM प्रीवियस और फाइनल, तो 1 साल हो गया मैंने कोई मार्कशीट नहीं लिया, 2 साल हो चुके हैं, तो फिलहाल वही लेने आया हूँ, और चलते हैं देखते हैं क्या है आगे। फिलहाल तो यहाँ NCC का परेड हो रहा है। कॉलेज में बहुत से चेंजेस हो गए हैं, पेंटिंग बदल गई है, बहुत सारे चीज़ बदल गए हैं, यहाँ बोर्ड लग गया है, वहाँ पार्किंग में काम चल रहा है, तो फिलहाल यहाँ पे पार्किंग हो रही है, और अब फाइनली जाके लगा कि मैंने MCOM किया है। क्यों? क्योंकि ना मैंने क्या है ना एग्ज़ाम दिलाया नहीं, तो कुछ फील नहीं आ रहा था, और ना प्रीवियस और फाइनल दोनों एग्ज़ाम मैंने लिखवाए थे दूसरों से। मैंने क्या भाई, पूरे हर लोगों ने ऐसा ही किया, या तो देख देख के लिखे या तो किसी से लिखवाए थे, और मैंने भी दूसरे से लिखवाया ही था, मतलब कई लोग मिलकर लिखे थे, तो उसी चक्कर में फील ही नहीं आया था कि मैंने एग्ज़ाम दिलाया। देखो प्रीवियस तो मैंने दिला लिया था, लेकिन फाइनल के टाइम ना ऐसा हुआ था कि मैं फॉर्म नहीं डाला था कुछ कारणों के वजह से, लेकिन 1 दिन के लिए जब पोर्टल खुला था ना, फिर से खोला गया था, तो मैंने फाइनल का डाल दिया था, और ऐसा हुआ था कि फिर के एग्ज़ाम लिखना बाकी था पूरा, और पता चला कि कल जमा करना है, तो मैं 1 दिन में पूरा 4 पेपर लिखवाया और जैसे तैसे जमा करवाया था फाइनल का भी। तो अब जाके फील आ रहा है कि मैंने MCOM दिलाया है। जैसा भी हो गया भाई, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, अब जाके लग रहा है। तो अब चलते हैं कल्याण कॉलेज, और वहाँ क्यों जा रहे हैं वहाँ जाके बताएंगे। DCA, और एक बार कल्याण कॉलेज जा रहा था मैं, शुरुआत थी, टेस्ट था उस दिन, और यहीं पे चौक पे ना, ये जो चौक आ गया, सेक्टर 9 चौक जो कहा जाता है, यहीं पे एक लूना वाले बुजुर्ग थे, वो ऐसे फट से काटे, उनके चक्कर में मैं पूरा स्कूटी से यहाँ से फिसल के गिरा था यहाँ तक, और स्कूटी का भी बैंड बजा था और मेरा भी बैंड बजा था तरीके से। तो चलिए अब बाकी बातें कल्याण कॉलेज पहुँच के ही करते हैं। ये कॉलेज लगता था पढ़ने के टाइम कॉलेज जैसा, लेकिन अभी तो मेन क्या है ना, मैं यहाँ आया हूँ TC चेंज करवाने, मतलब TC में ईयर चेंज करवाने। उस टाइम मार्कशीट दे के TC बनवाया गया था, सब किया गया था, तब भी ईयर गलत किया था भाई। मैं यहाँ 2017-18 में पढ़ा हूँ, और इसमें 2016-17 किया गया है, ये हाल है। पता नहीं क्या नशे करके बैठे थे TC बनाने वाले, और उस टाइम क्या है ना, 2 दिन बाद देखा था, और उस टाइम फिर थोड़ा इधर उधर में फंस गया, और ऐसे तैसे करके आज 4 साल हो चुके हैं। तो अब फिलहाल आया हूँ आज, मैं सोचा था सब काम करवा लूँगा, बाद में क्या पता टाइम मिले ना मिले, शादी वादी भी हो जाए तो। अरे मजाक कर रहा हूँ, जोक है, शादी वादी तो अभी कोसों दूर तक कुछ नामो निशान नहीं है, फिर भी करवा लेते हैं। क्या है ना, अब पता नहीं, 2016 तो मैं ड्रॉप आउट था, फिर उसके बाद 17-18 में किया, जैसा कि मैंने बताया, तो लेने आया था, लेकिन मेरे से भी एक पचका हो गया, मेरा भी दिमाग कहाँ चल रहा है पता नहीं। मैं TC के जगह करेक्टर सर्टिफिकेट उठा के ले आया हूँ, और TC लाना भूल गया हूँ, तो फिलहाल अब ये दोनों को लेके आना पड़ेगा मेरे को, TC और करेक्टर सर्टिफिकेट दोनों में चेंज है इसलिए। तो चलिए चलते हैं फिर, और यहाँ पे जो लिखा है ना करेक्टर सर्टिफिकेट, गुड
ये हो सकता था बैड भी हो सकता था, अब वो मैं बताऊंगा आगे कहानी क्या था। चलो फिलहाल चलते हैं और अपना, और MJ कॉलेज में भी एक काम है वो निपटाते हैं, फिर दो तीन और काम है भैया आज। पहले हम वो जो गेट दिख रहा ना, वहाँ से अंदर हमारी क्लास थी PGDC की, ये हमारा कैंटीन था। यहाँ के समोसे का टेस्ट अच्छा लगता था, बट उसके बाद खाने के बाद ना पेट थोड़ा ज़्यादा भारी हो जाता था। ये हमारा पहले पार्किंग के लिए गेट था, बट अब वो गेट अब शायद परमानेंट बंद हो चुका है। पानी स्टार्ट हो रही है, उससे पहले मैं जल्दी भागता हूँ। पहले यहाँ हम लोग खाते थे ना टपरी में आके, और ये समोसा मिस करते थे, तो आज फाइनली खा रहा हूँ। भूख लग रहा है ना, घर से कुछ खा के नहीं आया हूँ, तो पहले खा लेता हूँ फिर बात करेंगे। तो मैंने ग्रेजुएशन किया था सुराना से, सेठ RCS कॉलेज दुर्ग से, और PGDC से मैंने किया था कल्याण कॉलेज से, एक साल ड्रॉप करने के बाद। फिर MCOM मैंने प्राइवेट किया साइंस कॉलेज से। फिर तो ऐसा था ना कि मेरे PGDC से वाले जो HOD थे पहले, पहले जो थे अब तो बदल गए हैं, पहले जो थे उनसे कभी बनी नहीं, एडमिशन से लेके एंड तक कभी नहीं बनी। और एक बार ऐसा हुआ था कि कुछ कुछ मतलब सब लड़के लड़कों को अच्छे से फंसाया जा रहा था, एक ग्रुप में मैसेज चल रहा था कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने उस पर थोड़ा सा उत्तर दिया और एक लाइन में ही कुछ बोला था, जो भी बोला था। लेकिन मेरे बाद जो लड़के दुनिया भर का बोले थे, गाली वाली दिए थे, उनको कुछ नहीं बोला जा रहा था। नहीं स्टार्ट तुम क्यों फंसे, तो सभी मतलब ऊपर तो बात सभी लड़कों पे आई थी। फिर हम लोग ना पता करे कि कौन लीक किया बात को, हम लड़कों में से ही किसी ने लीक किया था कि ऐसा सा हुआ है बात, और कौन किया वो बाद में पता चला जाके। और फिर उस लड़के को जैसे पता करवाया ना, क्या लालच दिला के उसको ना निकलवाया गया था, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं कुछ नहीं बता सकता। तो वही है कि अगर वो साफ नहीं होता, कैसे हुआ क्या हुआ हमारे खिलाफ, कौन कैसा क्या कर रहा था, तो वहाँ पे बैड लिख दिया जाता और हमारे पास कोई उसके लिए सबूत ही नहीं होता कि हम सही हैं। तो कौन कैसे किया क्या किया था सब हम बाद में क्लियर हुआ, और जानबूझ के ऐसा किया जा रहा था। तो और कुछ नहीं है, तो बैंक का काम रुक गया है, अभी 4 बजे से पहले पहुँच गया तो मैं कर लूँगा। और MCOM का बास्केट तो मिल गया है, और TC लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी पता नहीं क्या लेके आ गया था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आ गया था। तो ट्रेजेडी तो शुरू से ही होते आ रही है, मैं बताते आया हूँ, आज बहुत सारी चीज़ दिखा भी दी आपको। तो अभी MJ कॉलेज आया था, थोड़ा काम है, फिर यहाँ से भी निकलना है फिर से बैंक की ओर। तो 7 मिनट पहले बैंक तो पहुँच गया है SBI, बट मेरा काम नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 20-20 लोगों का लाइन और है दोनों काउंटर में, तो नहीं हो पाएगा। तो अब फिलहाल बाकी का काम निपटाता हूँ, पहले जाना है मुझे मार्केट, वहाँ 2-3 काम है। छोटा वाला बाबू के लिए कपड़े भी लेने हैं कुछ, जो हम थीम सोच के रखे हैं राखी के लिए, और कुछ कुछ और है काम। चलो फिर आगे मिलते हैं, बताएंगे आपको। तो मैं अब भिलाई जा रहा हूँ डबल, पहली तो कॉलेज वगैरह का काम निपटा के आ गया था दुर्ग वापस से, SBI खुला रहेगा करके। SBI तो खुला था बट काम नहीं हो पाया था, और दुर्ग में 2-3 काम थे, कुछ सामान लेना था हो गया, और छोटा भांजे के लिए कुछ लेना था वो भी ले लिया। अब वापस से डबल जा रहा हूँ, पहले जाना है सुपेला, क्योंकि एक ऐसा सीरीज लिया था मेरा कीट था कुछ, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, साइड डिफेक्ट है, तो उसको चेंज कराऊँगा। उसके बाद नेहरू नगर वापस आना है, एक काम है, और उसके बाद कुछ खाएंगे फिर घर के लिए निकलेंगे। तो आया था ये चेंज करने, यहाँ पे ना यहाँ पे लूज था, ये पूरा टाइट होने के बाद भी ये ना ढीला हो रहा था, तो उसको चेंज करवाना भी जरूरी था, क्योंकि फिर आते नहीं बनता किसी दिन। तो ये हो गया, अब चलेंगे नेहरू नगर। अब तो भाई नेहरू नगर का काम निपट गया, और जो एक काम था उसके बारे में नहीं बताया मैं आपको, शायद 2-4 दिन में पता चल जाए, एक नया चीज़ है। तो और यहाँ बैठ के अब सिजवान फ्राइड राइस और हॉट एंड सेवर सूप खा रहे हैं पी रहे हैं। ये अपना आकाश मिला है, सिहावा वाले वीडियो में तो देखे होंगे, बाकी और कई बार मिला, लेकिन आप वीडियो में सिहावा वाले वीडियो में देखे होंगे, बहुत दिन बाद मिला है ये। तो यही आज पार्टी दे रहा है फिलहाल, तो चलो पहले खाते हैं फिर निकलेंगे घर। हाँ तो भाई अब आ गए दुर्ग से,
विलाई होते हुए आए। लास्ट शॉट आपने देखा, उस शॉट के बाद से सीधा घर। ज्योरा में भी दो तीन काम था, वो भी निपटा लिए। फिर उसके बाद घर आए और घर आकर सबसे पहले गर्म पानी से डिटॉल डाल के नहाए, क्योंकि क्या ना, पानी में भीगना, फिर उसके बाद पसीने में भीगना, फिर धूल पूरा ना, मतलब एक इचिंग से हो रही थी, एकदम खुजली टाइप का हो रहा था। तो मैं बोला पहले नहाऊंगा तब हल्का लगेगा, तब रात में नींद पड़ेगी। तो मैंने नहा लिया और फिलहाल देखो ये है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC, ये देखिए, और ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो मैं ले गया था। तो दोनों सेम सा ही है ना, दोनों सेम सा ही लग रहा है, इसलिए धोखे से किसी और को लेके, दोनों में गलत है ईयर। तो एक आध दिन जाएंगे और उसको चेंज करवाएंगे। और SBI का भी काम नहीं हुआ जैसे कि मैंने बताया, तो उसको भी करवाएंगे। वो तीनों चीज़ करवाने, नेट बैंकिंग चल नहीं रहा है, सब चीज़ कर डाला, फॉरगेट कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा है बिना नए ATM के, और नया ATM जनरेट कराना क्योंकि एक्सपायर हो गया है और ब्रांच बदला है, तो पासबुक भी चेंज। तो चलिए वीडियो यहीं एंड करते हैं और अब खाना वगैरह खाएंगे और बाकी काम करेंगे दिन भर का जो बचा था। तो वीडियो एंड करते हैं यहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। चीज़ बताऊँ, ये सोशल मीडिया के ट्रेंड के हिसाब से ना बह मत जाया करो। मैंने लाइफ में शायद पहली बार घेवर खाया, और शायद पहले भी खाया था मुझे नहीं पता, क्योंकि ना जो अच्छी चीज़ें होती है ना वो मुझे याद रहती है। शायद नहीं खाया होगा या खाया होगा तो याद नहीं, क्योंकि ओके ओके सा लगा मुझे स्वाद। पहली बार खाया, दीदी ने मंगाया था तो मैं ले के आया था, बाकी मुझे उतना खास नहीं लगा। और लाइफ में मैं कभी खाने के लिए एक्साइटमेंट नहीं दिखाऊंगा, नहीं खुद के पैसे से लेकर नहीं खाऊंगा। कोई फ्री में खिला देगा तो कल खा लूँगा, चलो ठीक है लाओ खा लेते हैं करके, लेकिन